में जारी 12 महीनों के दंगल के बाद आखिरकार खेल मंत्रालय ने WFI को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद महिला पहलवानों को इंसाफ की उम्मीद जगी है। जिस बृजभूषण के खिलाफ हल्ला बोला था उस पर देर से ही सही, लेकिन सरकार ने हंटर चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस देश के लिए, हम सबके लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि जिन खिलाड़ियों से हम दुनिया भर के बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुल्क का मान बढ़ाने की उम्मीद करते हैं, उन्हें इंसाफ की खातिर सड़कों पर सोना पड़े, सिस्टम से भिड़ना पड़े और सरकार से लड़ना पड़े। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मान नहीं दूंगी। सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया। जब चुनाव हो गया तो दबदबा है कि नहीं है वो साबित हो गया, काम खत्म हो गया, अब मैं रिटायर हो गया, अपने घर चला। बृजभूषण पर नकेल, WFI के साथ खेल। तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। सरकार ने सुना बेटियों का पैगाम, पहली बार बृजभूषण पर लगा। पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है और उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे। पूनिया वापस ले लो सम्मान, अब कुश्ती का नहीं होगा अपमान। बृजभूषण पर गिरी गाज, अब होगा पूरा हिसाब। देश को गौरवान्वित करने वाली बेटियों की सिसकियां देर से ही सही, लेकिन सरकारी सिस्टम के कानों तक पहुंच ही गई। पिछले 12 महीनों से विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया। 21 दिसंबर को ही WFI के चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह नए प्रेसिडेंट बने थे, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह बार बार कह रहे थे कि दबदबा था, है और रहेगा। दबदबा तो रहेगा। किसे आप संदेश देना चाहेंगे? किसको संदेश ले? संदेश ले, दबदबा रहेगा। हाथों में पोस्टर लेकर खड़ा ये शख्स WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह हैं। संजय सिंह की जीत के बाद उन्होंने पोस्टर लहराया, इसमें लिखा है दबदबा है, दबदबा रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। देश की बेटियां पिछले 12 महीनों से सरकार से इंसाफ की मांग कर रही थी, धरना दे रही थी, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। पिछले 12 महीनों से जब भी महिला पहलवान कुश्ती के इस अघोषित आका के सर पर शोषण का इल्जाम टांगती, वो पलट कर किसी अदालत की तर्ज पर बदले में उनसे ही सबूतों की फेहरिस्त मांग लेते। जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया तो मैंने कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। बृजभूषण का बेशर्म रंग, WFI पैच, WFI का निलंबन। सरकार ने सुना बेटियों का पैगाम, पहली बार बृजभूषण पर लगाम। पूनिया वापस ले लो सम्मान, अब कुश्ती का नहीं होगा अपमान। बृजभूषण पर गिरी गाज, अब होगा पूरा हिसाब। ब्रिज अब भी वो अपने बयान पर कायम है, महिला पहलवानों के आरोपों को गलत ठहरा रहे हैं, साथ ही खेल मंत्रालय के फैसले पर आश्चर्य भी। मैंने 12 साल तक कुश्ती की के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा, और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है,
ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना देश की रेसलर बेटियां चीख चीख कर कह रही थी कि बृजभूषण शरद सिंह ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब चुनाव में बृजभूषण सिंह का करीबी जीता तो रही सही उम्मीद भी खिलाड़ियों ने छोड़ दी। चुनाव के तुरंत बाद रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान साक्षी मलिक भावुक हो गईं और कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने जूते उतार कर टेबल पर रख दिए और वहां से उठकर चली गईं। अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। साक्षी मलिक ने भी गोंडा में टूर्नामेंट कराए जाने को लेकर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने कुश्ती छोड़ दी है पर परेशान हूँ, वो जूनियर महिला पहलवान क्या करें जो मुझे फोन करके बता रही हैं कि दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने वाला है और नई कुश्ती फेडरेशन ने नंदनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला लिया है। मैं दो दिन से परेशान हूँ, जब से लेटर निकला है कि नंदनी नगर कॉम्पिटिशन कराया जाएगा तो मुझे वही सदमे में हूँ, वही बातें याद आ रही है कि दोबारा से वही नंदी नगर में कंपटीशन और लखनऊ में कैंप। तो मैं उन बच्चियों के लिए काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल्स भी आई बच्चियों की रात को कि दोबारा से वहीं पे, तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हूँ। महिला रेसलर के समर्थन में खड़े पहलवान बजरंग पुनिया ने 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। बजरंग पुनिया ने लिखा कि मैं अपने पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं, कहने के लिए बस मेरा ये पत्र है। इस चिट्ठी में बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती संघ पर बृजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया। बजरंग अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने अवार्ड वहीं फुटपाथ पर रख दिया। बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया, तो मैंने वो इन्हीं यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। 23 दिसंबर को वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया था। वीरेंद्र सिंह को 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला था। गूंगा पहलवान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं भी अपनी बहन और देश की बेटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद्मश्री लौटा दूंगा। मुझे अपनी बहन साक्षी मलिक पर गर्व है। देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना निर्णय लें। उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, छुर है गलत तरीके से छुर है। क्या क्या आपने ये बताओ। महीनों पहले जब बृजभूषण के खिलाफ देश के पहलवानों ने देश की राजधानी से मोर्चा खोला, तब इनके बयानों के हवाले में बार बार उन 6 महिला पहलवानों का जिक्र आया। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं। वो कौन हैं? उनकी पहचान क्या है? उनके आरोप का आधार क्या है? तब इस तरह के कई सवाल इन पहलवानों की तरफ बार बार उछाले गए, बिना जिरह, बिना सुनवाई और बिना फैसले के ही कुछ तो बृजभूषण को बेकसूर भी बताने लगे। मगर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ये चीख चीख कर बता रही थी कि ना तो इन पहलवानों का आंदोलन बेमतलब था और ना ही इनके आरोप भी बजे हैं। देश में कुश्ती को चलाने वाले संघ के उस सर्वे सर्वा पर लगाए गए तमाम आरोपों के पीछे एक ऐसी आप बीती है जो 1-2 नहीं बल्कि 6 महिला पहलवानों के शोषण और दर्द की दास्तां बयां करती है। जांच टीम के सामने उन 6 के 6 पहलवानों ने अपना बयान दर्ज कराया था। एक पीड़िता का बयान यहां ज्यों का त्यों सुनिए। मैं होटल के रेस्टोरों में डिनर कर रही थी, उन्होंने मुझे डिनर टेबल पर बुलाया, अपने हाथ मेरे सीने पर रखे, मुझे दबाया और फिर अपना हाथ सरकाते हुए मेरे पेट तक ले आया। उन्होंने ऐसा 3-4 बार किया।
WFI के दफ्तर में उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ। मेरी हथेली, घुटनों, जांघों, कंधों को मेरी मर्जी के बिना छुआ। ऐसा नहीं है कि बृजभूषण पर लगाए गए ये आरोप हवा हवाई हो। इनके समर्थन में बाकायदा कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। आरोपों की सच्चाई परखने वाली जांच टीम के सामने बतौर गवाह पेश हुए टीम के एक शख्स ने बताया, मैं महिला पहलवान को मुबारकबाद देने के लिए वार्म अप एरिया में जा रहा था, तब उन्होंने बृजभूषण को महिला की छाती और पेट पर हाथ फिराते देखा। ऐसा देखकर उसे बहुत बुरा और अजीब लगा। इस घटना के समय वार्म अप एरिया में दूसरे देशों के पहलवान और स्टाफ मौजूद थे। बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज हुई। FIR में किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ, चलिए आपको बताते हैं। 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की शीलता भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना। FIR भी दर्ज हुई और दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की। चार्जशीट में बृजभूषण सिंह पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि संगीन आरोपों की एक पूरी श्रृंखला मौजूद थी। जांच टीम के सामने कम से कम 6 पहलवानों ने ये माना कि कुश्ती संघ के कथित सर्वे सर्वा ने कुश्ती संघ में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गलत इरादे के साथ सांस चेक करने के बहाने छुआ, इलाज खर्च के बहाने सेक्सुअल फेवर मांगा, फोटो खिंचवाने के बहाने कंधे पर हाथ रखा, ट्रायल के बहाने धमकाया, फोटो खिंचवाने का विरोध किया तो धमकी दी, कमरे में बुलाकर जबरन गले लगाया, सप्लीमेंट के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा और मैच हारने के बहाने से कसकर गले लगाया। लेकिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी, तो साथ ही ये शर्त भी रख दी कि बृजभूषण बिना बताए देश के बाहर नहीं जाएंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है, मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। दिल्ली में कई दिनों तक चले पहलवानों के प्रदर्शन और हंगामे के बावजूद भी बीजेपी ने 6 बार के सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। माना जाता है कि यूपी में बृजभूषण सिंह के सियासी प्रभुत्व को देखते हुए एक धड़ा उनके समर्थन में है। ऐसे में अब 2024 का चुनाव सर पर है, इस लिहाज से इस कार्रवाई को कई राजनीतिक पंडित सियासी नजरिए से भी देख रहे हैं। इसी साल 18 जनवरी को पहली बार पहलवान धरने पर बैठे थे और 23 अप्रैल को उन्होंने दूसरी बार धरना शुरू किया। इसके बाद पहलवानों ने मौसम की मार झेली, पुलिस के साथ झड़प हुई, पहलवानों के खिलाफ FIR भी हुई। इसके बाद पहलवानों और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात के बाद कहानी बदल गई और पहलवान काम पर लौट गए। इसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई बैठक के बाद पहलवानों ने 15 जून तक धरना प्रदर्शन नहीं करने की बात मान ली और अब जाकर खेल मंत्रालय ने सख्त कदम उठाते हुए WFI को ही सस्पेंड कर दिया। पहले तो पुख्ता सबूत नहीं है कि ऑन रिटर्न नहीं आया है कि फेडरेशन रद्द हुई है या सिर्फ संजय सिंह को रद्द किया जा रहा है, तो रद्द किया गया है, तो जैसा भी मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलेगा मैं आपके साथ जरूर बातचीत करूंगा। 12 महीनों से देश की बेटियां इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, ऐसे में इन 12 महीनों में क्या कुछ हुआ, चलिए आपको बताते हैं। 18 जनवरी को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने जंतर मंतर पर बृजभूषण पर कार्रवाई को लेकर धरना शुरू किया। 23 जनवरी को मैरीकॉम की अगुवाई में 5 सदस्यीय निगरानी समिति गठित की गई। 24 अप्रैल को खेल मंत्रालय ने 7 मई के चुनाव रोके, IOA से गठन के 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने को कहा। 25 अप्रैल को पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की। 4 मई को बृजभूषण पर FIR के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने तीन महिला पहलवानों की याचिका पर कार्रवाई बंद कर दी। 7 जून को अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया कि बृजभूषण पर कार्रवाई होगी, जिसके बाद विरोध रुक गया। 5 दिसंबर को WFI के चुनाव 21 दिसंबर को निर्धारित हुए। 21 दिसंबर को बृजभूषण के करीबी संजय सिंह नए WFI प्रमुख बने। साक्षी मलिक ने विरोध में संन्यास का ऐलान कर दिया। 22 दिसंबर को बजरंग पुनिया पद्मश्री लौटाने PM के आवास पर पहुंचे। 24 दिसंबर को खेल मंत्रालय ने WFI को सस्पेंड कर दिया। बृजभूषण पर लगे आरोपों को सुनकर आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन शर्मिंदा कर देने वाले आरोपों का बृजभूषण शरण सिंह मखौल उड़ाता है, अपने राजनीतिक रसूख के धौंस दिखाता है। लेकिन अब देर से ही सही, लेकिन बृजभूषण पर लगाम कसना शुरू हो गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या देश की पहलवान बेटियों को इंसाफ मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।